वेलकम गेमर्स। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, मतलब एक और नए गेम प्ले के साथ। तो जिसका हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं उसका नाम है लॉस्ट लाइट। तो चलते हैं, पहले हम लोग कुछ गेम्स के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गेम का साइज़ कितना है। तो गेम का साइज़ होने वाला है 1.45 GB, मतलब हाँ 1.45 GB का गेम है। तो गेम की ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, और गेम का ऑनलाइन और ऑफलाइन है। तो गेम भाई ऑनलाइन होने वाला है, और गेम की ग्राफिक एंड गेम में क्या देखने को मिलने वाला है वो तो हमें गेम प्ले देख के ही पता चलेगा। तो चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ और गेम प्ले देखते हैं। तो हम लोग का गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग फेसबुक, गूगल प्ले एंड गेस्ट एज अ गेस्ट भी प्ले कर सकते हैं ये गेम। तो मैंने अभी गूगल प्ले से साइन इन कर दिया है, गूगल प्ले से साइन इन हो रहा है ये गेम। तो यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग गूगल प्ले से यहाँ पे साइन इन करेंगे तो आप लोगों को गूगल प्ले जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ गेमों में बिना ऐप के भी साइन इन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का गेम लोडिंग होने लगा है। तो फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑप्शन है, मैन एंड वूमेन। तो यहाँ पे सिर्फ मैन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो वूमेन है वो वूमेन नहीं सेलेक्ट कर सकती हैं। क्या फ़ायदा वो ऑप्शन देने का। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कैरेक्टर आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी दो कैरेक्टर फेस शेप एंड दो हेयर स्टाइल, यहाँ पे टू हेयर स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग यही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ गुड लक गेमिंग। वैसे तो मेरा नाम आयाज है, पर मैं यहाँ पे गेम चैनल का ही नाम डालूँगा गुड लक गेमिंग। तो डाल देते हैं LUCK एंड गेमिंग। तो हो गया, हम लोगों का नाम हो गया गुड लक गेमिंग। तो अभी अलाउ कर देते हैं इसे भी। तो कंफर्म हो गया है, तो हम लोग की यहाँ लोडिंग होने लगी है। कोई लोडिंग हो जाएगा तो देखते हैं कैसा हम लोग को यहाँ पे ग्राफिक एंड ऑल देखने को मिलने वाला है, और कैसे यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिलेंगे। लोडिंग हो गई, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है यू हैव टू न्यू मिशन। तो हम लोग को एक न्यू मिशन देखने को मिला है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं क्या मिशन है। तो इनसे भी कट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का मिशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हेलिडा एक प्लेयर है जो हम लोग को शायद फ्यूचर में इससे भी हम लोग को हो सकता है खेलने को मिले। तो यहाँ पे हम लोग को आप लोग देख सकते हैं ग्रेनेड, AK-47 एंड ऑल भी गन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो हम लोग मूव आउट करते हैं। तो यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ रहा है, तो अपना रेडी कर दिया मैंने। यहाँ पे ये गेम ऑनलाइन होने वाला है, तो गेम में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि ग्राफिक। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर भी देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे कंट्रोलर देखने को मिलने वाले हैं अभी देख। तो यहाँ पे लोडिंग हो गई, आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोलर देख सकते हैं मूव वाला। यहाँ पे लगभग आप लोगों को उसी तरह पबजी मोबाइल की तरह देखने को मिल जाएगा लगभग। ये देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन एंड मैप को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है मैप, आप लोगों को सिर्फ ऐसे दिख सकता है। आप लोगों को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं उसी तरह, मार्क करने का ऑप्शन है। फुल मैप आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो, सेमी ऑटो का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी बैकपैक, तो यहाँ बैकपैक में भी हम लोग को कुछ गने देखने को मिल जाती हैं। एक गन हमारे पास जो है वही है, और बैकपैक में हम लोग को मेडिकिट्स वगैरह, और यहाँ पर हम लोग को टीम की वॉइस चैट भी देखने को मिल जाती है। तो अभी मैं वॉइस चैट नहीं करना चाहूँगा, वैसे मेरा कोई टीममेट यहाँ पे हम लोग मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे अभी। तो अभी टेस्ट चल रहा है इस गेम का। तो चलते हैं यहाँ पे एक सामने पीछे भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लो फ्रेम्स फिश परफॉर्मेंस, तो कन्फर्म कर देते हैं लो फ्रेम रेट आ रही है। तो पीछे देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कैमरा रोटेशन का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। ये भी लॉक है, मैनुअल ऑटो मैनुअल कर देते हैं अभी ये। अगर आप लोग यहाँ पे फायर करेंगे तो आपका स्कोप ज़रूर ओपन होगा, अगर आपके गन में स्कोप होगा तो। यहाँ पे आप लोगों को ऑटो ऑन स्कोप देखने को मिलेगा अगर आप लोग फायर करते हैं यहाँ पर। हम लोग इसको ओपन करते हैं चले गेट को। तो यहाँ पे हम लोग को एक मिशन मिलने वाला है। अभी हम लोग को यहाँ पे एक बैटल रॉयल मोड तो देखने को नहीं मिला है, जैसा इस गेम में लिखा हो वैसे गेम में कहा गया था। तो यहाँ पे एक बैटल रॉयल मोड नहीं देखने को मिला। अभी हम लोग को अभी मिशंस देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे हम लोग को आगे बैटल रॉयल मोड देखने को मिले। ये देख सकते हैं जैसे मैंने स्कोप चलाया, इससे मैंने गन शॉट की, वैसे ही हम लोग का ऑटो स्कोप ऑन हो गया है। पर यहाँ पर डिटेलिंग एंड ग्राफिक काफ़ी अच्छी है। अगर आपका डिवाइस एक अच्छा चल अगर है तो आप लोगों को एक गेम खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपका डिवाइस 3 GB का है तो भाई इस गेम को ज़रूर से ना डाउनलोड करें, क्योंकि जब मैंने इस गेम को इंस्टॉल किया था तो लोडिंग में मैंने बीच बीच में वीडियो कट की जहाँ पर लोडिंग हो रही थी, क्योंकि काफ़ी समय ले रहा था ये लोडिंग करने में। तो मेरे मोबाइल की रैम वैसे 4 GB है, पर मैं कहूँगा 3 GB वाले ना डाउनलोड करें, क्योंकि मेरे मोबाइल में काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है
यहाँ पे हम लोगों को एक हील का एंड एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा क्योंकि ये मेरा दुश्मन है या एनिमीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग पिकअप कर लेते हैं सब कुछ, लगभग आप लोगों को सब कुछ उसी तरह पिकअप एंड ऑप्शन मिलने वाला है जैसे बैटलियन मोड में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट गन मिल गई है, तो शॉर्ट गन लेके चलते हैं अभी हम लोग ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को एक ऑटो भी दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग का प्लेयर रन कर सकता है ऑटो मोड पे जैसे फ्री फायर एंड पबजी मोबाइल में कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में करता है। तो यहाँ पे इधर कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे विंडो से जंप करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को डोर से ही जाना पड़ेगा। तो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी है आजकल सब कलेक्ट कर लो, पता नहीं किससे क्या क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ओवरऑल गेम भी ग्राफिक एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट मोड यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलता है, और बैटल रॉयल मोड आएगा तो उसका भी मैं गेम प्ले आप लोगों के लिए ज़रूर से बनाऊँगा। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को मैं टिक कर लेता हूँ, तो हम लोगों को देखते हैं यहाँ से किधर से जाना है। ये सामने रास्ता है नीचे, अरे तो मैं नीचे चला आया, मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पे किसी भी तरह का लैग इशूज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, बस वही लोडिंग प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वो ले रहा है, हो सकता है मेरी डिवाइस की वजह से हो, उसको थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट हो इस वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का भी लैग हुआ था, पर अब सही चल रहा है ये गेम, देख सकते हैं फिर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी इसमें काफ़ी अपडेट्स अभी करना बाकी है, क्योंकि अभी ये टेस्ट मोड चल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत तो लैग इशूज आएंगी ही। तो गेम की ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी देखने को हम लोग को यहाँ मिलती है, तो आप लोग ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छा है, तो मैं कहूँगा इस गेम को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें, पर अभी ना ट्राई करें क्योंकि अभी इसका टेस्ट मोड चल रहा है, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इधर से तो मैं आया था, इधर चलते हैं, यहाँ पे एक डोर देखने को मिलता है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे कौन है, ये भूतिया बंगला, यहाँ पे कोई नहीं है, ये क्लोज है, कोई बात नहीं हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। यहाँ पे अब किसी तरह का मुझे सिर्फ एक एनिमीज देखने को मिला, उसके बाद कोई देखने को भी नहीं मिला। यहाँ पे शायद कुछ है, यहाँ पे भी हम लोगों को कोई रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं हम लोग आगे चलते हैं, मैप में देखते हैं दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ से तो पीछे डोर लॉक्ड है, हम लोगों को पहले उसकी की फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलते हैं इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक एनिमीज यहाँ पे भी आ गए हैं, इधर एनिमीज हैं, तो शॉर्ट गन निकाल लेता हूँ मैं। ये बंदा इधर तो कोई ये रहा, शॉर्ट गन ख़राब है गन, ये एक बार गन रिलोड करेगी, फ़ायदा क्या है, मैं अपनी गन निकालता हूँ, स्कोप ओपन होगा ज़्यादा सही है। तो ओवरऑल आप लोगों को गेम प्ले आप लोगों ने देख ही लिया है, काफ़ी अच्छा गेम है, यहाँ पे आप लोगों को शूटिंग एंड ऑप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो चलते हैं गेम की और भी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं गेम में हम लोग और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो गेम प्ले काफ़ी, तो अभी हम लोग अपने शेल्टर में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे मॉडिफाइड तो एंड क्राफ्ट, ये सब लेवल 4 के बाद अनलॉक होंगे। तो और यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को एक स्टोरेज देखने को मिल जाता है, कलेक्शन जो अभी अनलॉक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ, तो यहाँ पे हम लोग को एक सेल का ऑप्शन मिल जाता है, हम लोग सेल कर सकते हैं, कुछ मनी कलेक्ट कर सकते हैं जिससे शायद हम लोग फ्यूचर में कुछ परचेज अरचेज करें, जैसे गन्स एंड उन्हें अपग्रेड करना हो। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी लेवल अनलॉक होगा उसके बाद ही, लेवल 4 के बाद ही सब अनलॉक होंगे यहाँ पे। और भी यहाँ पे मुझे एक क्लेम मिला है, रिवॉर्ड क्लेम कर लेते हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड मिला था उसमें मैंने क्लेम कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को और भी मिशन देखने को मिल गए हैं, कभी मिशन नहीं करूँगा। तो ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए 10 विदानियाँ।